कि पीडीएफ कैसे भरा। हमने ये अक्सर देखा होगा कि हमको डॉक्यूमेंट जो मांगा जाता है पीडीएफ में मांगा जाता है ना। और क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट बना के रखे हैं जिसमें 3-4 पेज हैं, सो हम क्या करते हैं अपने मोबाइल से फोटो खींचते हैं और 3-4 अलग अलग फोटो भेज देते हैं, उससे सुविधा नहीं होती है। उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो डेटा है वो अच्छे से कंपाइल नहीं रहता और एक फाइल में नहीं रहता है ना, तो उसके संकलन में दिक्कत होती है और वो जाके फोटो में सेव हो जाता है, तो व्हाट्सएप में इतने सारे फोटो होते हैं आपके तो उसमें दब जाता है। तो ऐसे इन कारणों से हम क्या करते हैं कि उसको डॉक्यूमेंट को बेहतर उपयोग करने के लिए हम यूज करते हैं कि फोटो या फिर किसी अन्य चीज से आप उसे पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, आपका जो स्कैन किया हुआ है उसको पीडीएफ कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे ऐप है, अभी आप जाके देखेंगे प्ले स्टोर में तो बहुत सारे ऐप हैं, तो उनमें से एक जो मैंने चुन के लाया आपके लिए जो अभी के डेट में सबसे अच्छा है, तो आइए हम उसको बताते हैं कि कैसे करना है। माइक्रोसॉफ्ट लेंस, जैसे हमने कल गूगल लेंस पढ़ा था, आज माइक्रोसॉफ्ट लेंस की क्या होता है जाइए देखते हैं। सो आप अभी प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर में जाके कर लेंगे। अब जैसे प्ले स्टोर में जाएंगे, सो प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पे लिखिए माइक्रोसॉफ्ट लेंस। इस तरीके से आप लेंस लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखिए। अब चूंकि मेरे में ये पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे ये और अपडेट हो रहा है इसलिए अपडेट दिखा रहा है। सो अदरवाइज यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, इंस्टॉल दिखाएगा, तो उसे आप क्लिक कर देंगे। अब डायरेक्टली मैं अपना ऐप खोल लेता हूँ जो मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, सो आप इसको एक बार खोल लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए आ गया। अब जैसे ही इसे खोलेंगे तो वहां पे क्या होगा कि सबसे पहले जब आप खोलेंगे तो वहां पे आपसे मांगेगा कि परमिशन मांगेगा, आपको कैमरा के लिए परमिशन मांगेगा। क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा था इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे परमिशन दिया गया था, इसलिए डायरेक्टली कैमरा ऑन हो गया है। सो अब करना क्या है कि आपके सामने कैमरा ऑन हो गया, देखिए अब यहाँ पे अगर देख रहे होंगे आप कि देखिए एक सर्कल बार एक रेक्टेंगल दिखा रहा होगा, तो वो क्या करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट रहता है स्क्रीन पे उसको वो कैप्चर कर लेता है। देखिए आसानी से कितना वो आपको कोई भी एंगल में रखिए, देखिए वो उसे ट्रेस कर ले रहा है कि कहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है करके, तो आसानी से आपके डॉक्यूमेंट को वो यहाँ पे स्कैन कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या विकल्प है, फिर उसके बाद हम स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बड़ा सामान्य सा है जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही सामान्य सा है जिसमें बहुत कम सेटिंग दिए हुए हैं। सो यहाँ पे अगर नीचे में आप देख रहे होंगे, सो यहाँ पे नीचे में एक बना है शटर का बटन, है ना, जैसे कि हम फोटो खींचते हैं वो, ठीक। उसके नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, सो डॉक्यूमेंट लिखा है। अगर मैं उसे और लेफ्ट की तरफ देखता हूँ तो देखिए क्या लिखा है, व्हाइट बोर्ड लिखा है, कैप्चर अ व्हाइट बोर्ड। सो अगर आपको व्हाइट बोर्ड का फोटो खींचना है तो उसके हिसाब से ये पहले से कस्टमाइज है और आप उसके आसानी से फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से कस्टमाइज किया गया है इस सेटिंग को, सो आप उसमें बड़ी आसानी से और बहुत सुंदर फोटो आ जाएगा वहां पे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके पास जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, या आपका मार्कशीट है, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसके हिसाब से इसमें से प्री सेटिंग है, सो वो बड़ी आसानी से समझ लेगा। देखिए कि जैसे जैसे मैं घुमाते जा रहा हूँ उसको बड़ी आसानी से समझ पा रहा है ये। फिर अगला है एक्शन, सो अगर आपको यहाँ पे एक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि टाइम टेबल आपके पास टेबल फॉर्मेट में है ना, वो चीजें हैं, तो उसको करने में बड़ी आसानी हो जाती है, या फिर यहाँ तक बार कोड भी रीड करेगा ये आगे, ठीक। तो जैसे दूसरा टेबल है, ये टेक्स्ट है, जैसे हमने अभी क्या किया था, जैसे कि हमने ये देखा था कि गूगल लेंस में देखा था हमने, है ना, कि वो रीड कर लेता करके, सो वैसे ये भी पूरे टेक्स्ट को रीड कर लेता है आसानी से, अब उसको समझना आसान हो जाता है इसको, ठीक है। सो ये चीजें इंग्लिश में होगा अगर, सो ये आगे मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ अभी, ठीक। सो ये चीजें, अब टेबल रहा तो आप यहाँ पे चले जाइए,
सो क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट प्रिंटेड टेबल है। तो क्या होगा, जैसे कि हम एक चीज देखे हैं कि क्या करते हैं कि अगर वहां पे कोई टेबल बना होता है, सो टेबल हमारा अच्छे से आता नहीं है अगर हम लोग फोटो खींचते हैं तो, और उससे आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है ये जो लिखा हुआ है वो उसे पढ़ लेगा, जैसे कि हमने कैसे पढ़ा था गूगल लेंस में पढ़ा था, वैसे ही वो यहाँ भी पढ़ सकता है, वो पढ़ लेगा के पर इंग्लिश का ही सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इसमें गूगल लेंस की मदद से ये करे तो अच्छा होगा, पर यहाँ पे फीचर्स है जहाँ पे केवल इंग्लिश की है। अब उसके बाद में रीड आउट करना है तो यहाँ भी जैसे कि हमने देखा था, सो वो रीड आउट भी कर सकता है, ठीक है। सो आपको बेसिकली हमको करना है पीडीएफ बनाना, इसलिए एक इस एक्शन को अभी उपयोग ना करें, और एक्शन के लिए आप उपयोग कर ले गूगल लेंस का तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरा एक देके रखा है बिजनेस कार्ड का, तो वो उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड है। सो ये चीजें, तो आप अलग अलग प्रकार के अपने जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, बिजनेस कार्ड होंगे, उसे आप आसानी से यहाँ पे स्कैन करके आप पीडीएफ में बदल सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो ये चीजें होगी। सो व्हाइट बोर्ड में रहेगा डायरेक्टली, जैसे कि क्लासरूम में है आप, और आपको कुछ व्हाइट बोर्ड का जो है वो फोटो खींच के आपको बनाना है पीडीएफ, तो बड़ा आसान हो जाएगा इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंट करना है तो इसमें हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सेटिंग देख लगा देते हैं। सेटिंग के लिए ऊपर में देखिए, ऊपर में तीन बिंदु दिखा हुआ है, तो ऊपर में तीन बिंदु है उसको आप कर लीजिए। सो देखेंगे वहां पे क्या लिखा है, माई फाइल्स, रेजोल्यूशन और शटर साउंड। बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर माई पहले देख लेते हैं कि शटर साउंड क्या है। तो जैसे ही आप हर बार फोटो खींचेंगे तो वहां पे आप क्या चाह रहे हैं, आवाज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो उसके लिए है। तो चूंकि हम अपनी कंफर्मेशन के लिए देते हैं कि आवाज चालू रहे तो अच्छा है, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हाँ फोटो खींचा गया है ये चीजें, क्योंकि अगले बार फिर से आ जाएगा वापस। दूसरा है रिजोल्यूशन, तो आपको कैसा चाहिए, हाई क्वालिटी में चाहिए, कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि हाँ ये पीडीएफ में तो भेजना है, पर पीडीएफ आपको कितना भेजना, छोटे साइज का, केवल 1 MB होगी, 1 MB से ज्यादा नहीं का होना चाहिए। तब क्या करेंगे हम, फोटो की क्वालिटी डिक्रीज कर देंगे, फोटो की क्वालिटी डिक्रीज कर देंगे, मतलब जो अभी देखेंगे कि ये हाई है, 8 MP का कैमरा उसके हिसाब से सेट है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा फोटो आए, छोटा सा आए ताकि डॉक्यूमेंट में हमारे कम साइज को, तो आप कम करके देख लीजिए तो उसे हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। सो चूंकि अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा रिजोल्यूशन आए और मुझे कोई लिमिट नहीं है, तो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं पर, ठीक है, तो HD क्वालिटी आ जाएगी। तो ये चीजें हो गई। तो अब आपको जैसे कि बोला जाता है कि पीडीएफ भेजिए, अक्सर जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, है ना, कोई भी हम गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर रहे होंगे, या फिर आप अन्य कोई सरकारी सेवाओं के लिए फॉर्म भर रहे होंगे, या फिर अन्य कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे, सब वहां पे आपको बोला जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करें। सो उसके लिए यह उपयोग होगा, ठीक है। सो वहां पे साइज कैसे करना है एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए, रिजोल्यूशन में जाएंगे, रिजोल्यूशन जो HD लिखा है वहां पे जाएंगे। सो वहां पे क्या होगा, इसको टैप करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ देखिए, अगर आपको कम साइज का फाइल बनाना है तो यहाँ पे ऐसा डिसाइड नहीं है बिल्कुल भी कि बिल्कुल 1.2 करोगे तो वो 1.2 MB का बनेगा, वो MB नहीं है, वो मेगापिक्सल में लिखा है। सो आप क्या करेंगे, तो इसमें कोई देख लीजिए, यहाँ पे साइज लिखा है स्क्रीन का, वो पिक्सल पे साइज लिखा ना 800x600 पिक्सल्स है वो, ठीक है। तो आप एक उपयुक्त चुन लीजिएगा जो हो, जहाँ पे बन जाए आपका साइज, वो है नहीं बना बड़ा लग रहा है तो आप उसको कम कर दीजिए, ये चीजें हैं। सो यहाँ पे मैं इसको वापस हाई मोड में डाल देता हूँ तो ज्यादा बेटर क्वालिटी आएगा, ये चीज हो गई। फिर क्या करें, फिर एक चीज और सेटिंग देख लेते हैं कि यहाँ पे सेटिंग में क्या है। तो सेटिंग में आप जाके देखेंगे कि कोई सेटिंग में कोई भी ऐसी जरूरी चीज नहीं है जो हमें जानने लायक पाते हैं, और कोई विशेष है नहीं है सेटिंग में, केवल आपका अकाउंट लिखा हुआ है, है ना, सबसे पहले में अकाउंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है @hotmail.com, चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है। सो आप में इसमें क्या करेंगे, इसमें हॉटमेल जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस प्रोवाइडर है उसका मेल यूज करेंगे। आपको यहाँ पे जीमेल का यूज नहीं करता है ये, सो मैंने यहाँ पे हॉटमेल का बना के रखा है, तो उससे आसानी हो जाती है कि मैं अपनी फोटो यहाँ से तुरंत अपने लैपटॉप में उसी ईमेल आईडी के माध्यम से जा सकता हूँ करके, बाकी और आप केवल डिटेल्स हैं। सो बस हो गया, सेटिंग के नाम पे कुछ नहीं, केवल बाकी यहाँ से प्री डिफाइंड है। एक आप देख रहे होंगे तीन बिंदु के नीचे में एक और है कुछ, है ना, जहाँ पे एक बिजली और ए लिखा हुआ है। सो ये जो है वो है आपके फ्लैश का, तो देखिए अभी फ्लैश ऑन हो गया है और ये फ्लैश ऑन मोड में, अब फ्लैश
टॉर्च ऑन है, देखिए अगर आप देख पाएंगे तो मेरे टॉर्च ऑन हो गया है ना। सो यहाँ पे टॉर्च ऑन कंडीशन पे रहेगा। सो यहाँ पे देखिए पर प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि आप पहले से लाइट में हैं और ये कुछ चिकना सतह है तो वहां पे चमकेगा, तो इसलिए टॉर्च को बंद कर देंगे। तो ऑटोमेटिक में रख दीजिए, अगर उसको जरूरत होगा तो वो ले लेगा। ठीक, सो ये चीजें हो गई। अब करें कैसे? सो अब हम तैयार हैं, हमारे पूरे सेटिंग को समझ के, हम पूरे ऐप को समझ के। अब आपको पीडीएफ बनाना है जो किसी डॉक्यूमेंट का, तो हमने ये बना लिया। ठीक, अब इसके बाद में आप तुरंत क्या कर सकते हैं कि ये जो दिख रहा है इसको आप कर, देखिए ऐसे सिप पे रखा हूं मैं तो उसने पहले से कैप्चर करके ले, देखो अगर आप देख पा रहे होंगे कि ऑरेंज का एक बॉक्स बन गया है, तो आप उसे टैप कर दीजिए। ये टैप हो गया, जैसे ही टैप हुआ तो देखिए कि ये आ गया। देखिए सुंदर सा, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे एडिटिंग, मैंने तो पूरा फोटो लिया था, आपको किनारे भी दिख रहा था, बट यह देखिए खुद से इसने ले लिया है। ठीक, अब ये चीज हो गई, आप इसे आगे बढ़ जाइए। सो अब उसको सेव करने के लिए पूछ दिया, पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत सारे चाहिए है ना। सो आप वापस जाइए, अब देखिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर दूंगा, इस पेज को ओपन करके अब मैं डायरेक्टली इसके जो भी यहाँ पे है उसको कर दीजिए। देखिए अब जैसे ही करेंगे तो वो ले लेगा। फोटो में देखो अभी कैसे दिख रहा है, पूरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा सबको, आपको सब कुछ दिख रहा है, पर यहाँ पे जब मैं फोटो खींचूंगा तो देख के वाले यही आ गया। आप इस तरीके से आसानी से हमारे ये पूरे बुक को पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं आसानी से किसी को भी। ठीक है, तो अभी केवल मैं 3 पेज का बना रहा हूँ। तो 3 पेज में देखिए मैं आगे गया। सो यहाँ पे ये चीज उन्होंने पहले से क्रॉप करके रखा है, आपको लग रहा है कि नहीं इसमें क्रॉप में कुछ दिक्कत है, इसे मैं अलग से करना चाहता हूँ कि मुझे वो वाइड एरिया नहीं चाहिए बिल्कुल, तो आप ये लीजिए। उसके बाद में आप इसको देखिए नीचे खींच देंगे तो आसानी से देखिए कि आपको जितना एरिया चाहिए वो मिल जाएगा। पर साथ ही साथ में अगर आपने जैसे टेढ़ा खींचा है फिर भी उसने सही ले लिया है ना, तो आप चाहे तो उसे कुछ इस तरीके से जैसे भी आपको सुविधा हो उसके अनुसार से उसे ड्रैग करके ले सकते हैं। ये ले लिया मैंने, ठीक कन्फर्म हो गया। तो देखिए ये आसानी से आ गया इस तरीके से। अब जैसे कि मेरी उंगली आ गई, मैं नहीं चाहता कि मेरी उंगली दिखे वहां पे, तो मैं क्या कर दूंगा इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे इस तरीके से ले गया देखिए, और इसको थोड़ा ऊपर रख दिया ताकि पूरा पेज है दिखना चाहिए करके, पर मैं चाह रहा हूँ कि वो व्हाइट वाला बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए। सो देखिए ये आ गया आसानी से, क्या हो गया अब ये हमारा सेट हो गया। ये चीज हो गई, बाकी क्या है अब और फोटो आपको ऐड करना है। सो देखिए यहाँ पे नीचे में ऑप्शन देखेंगे, नीचे में क्या क्या दिखा रहा है, ऐड दिखा रहा है, फिल्टर्स दिखा रहा है, क्रॉप और रोटेट दिखा रहा है। सो यहाँ पे ऐड में करेंगे सो आपको और फोटो लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। ठीक है, सो आप और भी फोटो खींच सकते हैं। अब देखिए कि मैं कोई भी एक रैंडम पेज निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। अब कैमरा देखिए मैंने सीधा रख दिया, अब देखिए टेढ़ा रखा हूँ फिर भी देखो वहीं पे ले रहा हूँ ऐसे है ना। देखिए कैमरा मैंने कितना टेढ़ा रखा है ना, कितना दूर में रखा है, टेढ़ा रखा है, फिर भी वो क्या कर रहा है आपको पूरा पेज को अलग से दिखा रहा है ना, वो पेज को खुद से पहचान जा रहा है कि कहाँ पे करके। अब देखिए वो पेज कितनी सुंदर तरीके से था, कैसा रखा था, कैमरा कैसा रखा था, मतलब आपको इसमें इतना इंटेलिजेंस है कि वो पहचान जाएगा कि वहां पे कहाँ पे लिखा हुआ है, किसको आप ढूंढ रहे हैं, इसीलिए इसमें अलग अलग ऑप्शन दे के रखा है। आ गया समझ में? तो बहुत आसान है ना, तो कैमरा संभाल नहीं पा रहे हैं तो हम जैसे कि आज देखते हैं कि जैसे कि हम थोड़े से वृद्ध जनों को बोलते हैं कि फोटो खींच दो तो वो थोड़ा इधर उधर खींच देते हैं, होता है, पर वो भी बड़ी आसानी से इस चीज का उपयोग कर पाएंगे। फिल्टर्स क्या है? सो फिल्टर में जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन है, तो फिल्टर्स में आप जाके देखेंगे सो ये देखिए यहाँ पे जैसे कि उसको लाइट करना है, थोड़ा सा डार्क करना है, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट करना है उसको, ये सब चीजें दे के रखे, थोड़ा ग्रे कर देना है, व्हाइट बोर्ड है तो उसके लिए सेटिंग कर देना, थोड़ा डार्क दिखना चाहिए करके। तो ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स है, लाइट जो कि लाइट का एक सेट होता है वहां पे, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का एक सेट होता है, उसको वो बना के प्रीडिफाइंड में देख रहे हैं। अगर पुराने जमाने का चीज दिखाना है उसको थोड़ा सा डल कर दो, किनारे किनारे में देखो किनारे वो हो गया है ना, किनारे किनारे में काला हो गया, तो ये पुराने जमाने का बन जाता है, पुराने जमाने जैसा लग रहा है ना, तो वो चीज है। नेगेटिव करना है मतलब इसका जस्ट कलर को इन्वर्ट कर देना है, पलट देना है, सफेद काला दिखे, काला सफेद दिखे, तो आप नेगेटिव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं, तो कलर चेंज कर सकते हैं, तो बड़े आसानी से आप इस पूरे फोटो खींच के स्कैन करके लगा सकते हैं। देखिए अब ये पूरा फोटो हमें ऐसे दिखाई देगा, पर हमें अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो हम कैसे जाएंगे ओरिजिनल में जैसा है वैसा दिखा करते हैं, इसको नन कर दिए, ये हो गई समझ तरीके से, देख कितना सुंदर ये बन गया।
अब रोटेट करना है तो रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा, और देखेंगे क्या है। देख अब उसमें कुछ आप लिखना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, सो यहाँ पे इंक का बटन है, सो उसको कर देंगे। अब जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ, तो देखिए अंडरलाइन हो गया। तो आपको यहाँ ये बातें समझ में आ गई, हाँ इसके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक लाइन होगी, मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अयोग्य को तो मिल सकता है ना, सौभाग्य किसी अयोग्य को मिल सकता है, कुछ ये सब चीजें होगी। तो आपको जो चाहिए, और नीचे क्या देके रखा है, देखिए नीचे क्या दिया है, इन्होंने कलर के माध्यम से अलग अलग देके रखा है। आप कौन सा करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। आपको किसी को पीडीएफ भेजना है और आपको बोलना है कि आप इस पेज में विशेष रूप से देखिए, आप लिख सकते हैं, है ना। चाहूं तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक, ये चीजें तो कलर करके माध्यम से आप कर सकते हैं। ये देखिए कंफर्म कर दिया, ये आ गया। अब इसके अलावा मैं क्या चाह रहा हूँ, और चाह रहा हूँ, अच्छा नहीं मुझे नाम वैसा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ लिख के दिखाऊं, सो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि अक्सर आपको जैसे कि कोचिंग वाले अपने मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो नीचे लिखा रहता है, तो ये चीजें हो गई, है ना। सो यहाँ पे है, अब मैं चाह रहा हूँ कि और कुछ लिखना है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ क्योंकि वो बटन हट नहीं रहता, ये चीज होगी। अब ये तो आ गया, है ना। अब ये चीजें कैसे रखनी है, आपको कहाँ रखना है, आप यहाँ पे उसको पकड़ के ले जाइए और जहाँ रखना है आपको रख दीजिए, ऐसे ये आसानी से हो गया। आपको इसमें फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है, चेंज स्टाइल करना है, तो देखिए चेंज स्टाइल ऊपर में दिख रहा है, मैं उसे क्लिक करूंगा तो स्टाइल चेंज हो गया। सो इस तरीके से आसानी से आ गया, उसमें कोई बॉक्स नहीं रहा, ये देखिए बड़े आसानी से आपने स्कैन भी किया और उसमें आपने कुछ वहां पे मार्क करना है, कुछ फोटो बनाना है, कुछ लिखना है आपको, तो इस तरीके से मदद से आपका हो गया। सो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, नहीं मतलब मैं जब करने के टाइम पे थोड़ा सा इधर उधर मेरा नंबर हो गया था, है ना, नंबरिंग सिक्वेंसिंग सही नहीं हो पाई थी, तो कैसे करेंगे इसको, रीअरेंज करें। देखिए मैंने पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, चौथा फोटो दिखा रहा है, ठीक। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे चौथा फोटो पहले दिखा है, तो मैंने पकड़ के ले गया इसे और यहाँ पे रख दिया इसको, तो देखिए अब वो दूसरा बन गया, जो चौथा फोटो था वो दूसरा बन गया, है ना। अब फिर से मैं इसको चाहता हूँ कि ये लास्ट में आ जाए, तो ये ऐसा हो गया। तो इस तरीके से आप उसे रीअरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सुंदर तरीके से देखिए जैसे हमने ये बनाया था, ये पूरा आ गया। अब हो गया सब कुछ, सो बस आपने और फोटो ऐड नहीं करना है, फिल्टर भी हमने देख लिया, क्रॉप भी देख लिया हमने, रोटेट की जरूरत नहीं है तो अभी नहीं किया हमने, है ना। डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, ये चीजें हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज, बहुत गंदा हो गया है, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, तो वो हट गया। देखिए अब तीन पेज रह गया हमारे पास, अब हम डन कर देंगे अगर हमारा काम हो गया तो। ये हो गया डन और हमारा तैयार है पीडीएफ शेयर करने के लिए। अब उसके बाद में यहाँ पूछेगा आपका नाम, पूछेगा कि फाइल का नाम क्या रखना है, तो मैंने रख दिया कि मैं अभी डेमो फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा ये पूछेगा, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं जो भी उसको फाइल का नाम देना है। उसके बाद में दूसरा ये पूछ रहा है कि जो आपने फोटो खींचा है वो तो आपने इस ऐप के माध्यम से खींचा है, क्या उसे गैलरी में सेव करना चाहते हैं, बोला यस, तो वो गैलरी में भी सेव हो जाएगा। साथ में उसे पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ भी बन जाएगा, ये चीजें हैं। अब उसको आप क्लाउड में भी सेव करना चाहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हर जगह आपको मिल जाए, तो आप उसे वन ड्राइव में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों में सेव कर सकते हैं। सेव कहाँ करना है, सो देखिए ये भी दिखेगा, सेव कहाँ करना है, सो टिक तो कर दिया। अब कहाँ, देखिए लोकेशन देखिए, फोन स्टोरेज में, डॉक्यूमेंट में, ऑफिस लेंस में सेव हो जाएगा जाके। आप जगह चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सो हम करेंगे यहाँ पे टैप कर देंगे बीचों बीच, कहीं भी इस लाइन पे आप कहीं भी टच कर दीजिए, ये खुलेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो चीजें बोल रहा है कि आपको फोन में सेव करना है कि मेरे वन ड्राइव, जैसे कि मैंने ऊपर में देखिए अकाउंट दिख रहा है हॉटमेल का, तो जैसे कि गूगल ड्राइव होता है गूगल अकाउंट में, वैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में जब रहेंगे तो वहां खुलता है वन ड्राइव, जो कि आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से आप सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने फोन किया, तो फोन में जैसे किया सो ये आपका लोकेशन दिखा दिया। आप चाहे तो उसे वन नोट में भी कर सकते थे, ये वन नोट में सेव हो जाएगा, ये सीधा नेट में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फोन स्टोरेज कर देता हूँ, आप इसे सेव कर दो, तो ये हो गया सेव डेमो के नाम से। तो देखिए मेरा फाइल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब चूंकि देखिए पहला
कि डेमो 1, 2, 3 ये जो फोटो है क्या है, वे फोटो है। और एक यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा साइन, देखिए कुछ पेज जैसा, यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे यहाँ पे चिन्ह दिखा रहा है, इसका मतलब वो पीडीएफ। अब इसको ओपन कीजिए, तो ओपन करने के लिए देखिए बहुत सारे ऐप है मेरे पास, वो पूछ रहा है कि कौन से ऐप से ओपन करूं, मैं एक जोटो को यूज करता हूँ पीडीएफ के लिए, सो आप इसे ओपन कर लीजिए। तो आज कुछ समय ले रहा है, सो इसमें आपको आसानी से ये ओपन हो जाता है। शायद इसमें अपडेट चाहिए था, आज सुबह भी मैं ओपन कर रहा था, इसमें ओपन नहीं हो रहा था, तो दूसरे में करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ड्राइव का एक है दूसरा, मैं यहाँ पे दूसरे पीडीएफ फाइल में ओपन करके दिखा रहा हूँ, देखिए आ गया आसानी से। देखिए आपका ये पीडीएफ तैयार हो गया बनके, ये पीडीएफ बनके तैयार हो गया, है ना आसान। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ बनाकर रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी उसके व्यवस्थित करने में, ठीक है। तो ये चीजें आपकी, और बाकी जो मेरे फाइल अभी तक मैंने जो करी थी वो देखिए पूरा यहाँ पे हमको सब कुछ दिखा रहा है। सो आसानी से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने जो नोट्स होता है वो बना लिखा हूँ, अपने ऑफिस के काम को बना के रखा हूँ, है ना, ये चीजें हैं। यहाँ पे देखिए कि जो मेरे क्वेश्चन पेपर है ये सब बना के रखा हूँ। सो इस तरीके से आप आसानी से सब कुछ बना सकते हैं, है ना। और एक्शन की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम यहाँ पे गूगल लेंस में कर रहे थे, और गूगल लेंस उसके लिए ज्यादा अच्छा बेहतर है, तो इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं। एक चीज और है, आपने पहले से फोटो खींच के रखा है, पहले से रखा है उसको पीडीएफ बनाना चाहते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पे बटन है, अब इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ये जो बटन हट नहीं रहे, आप जो डायगोनल में अगर ये हटने से ही वहां पे आएगा, क्योंकि यहीं पे देखिए पीछे में एक फोटो दिख रहा होगा, फोटो जैसा ये खुल गया। अब देखिए जैसे कि व्हाइट बोर्ड है मेरे, जो क्लास के हैं जो मैंने लिखा है वो चीजें मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, देखिए ये देखिए व्हाइट बोर्ड है, और आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, सो इसकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी कितनी पुअर दिख रही ना आपको यहाँ पे फोटो की, पर जैसे मैं सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे ओपन करता हूँ, सो देखिए यहाँ पे क्लियरिटी कितनी सुंदर आ गई है ना। सो ये इस ऐप का कमाल है कि वो उसको ब्यूटीफाई ऑटोमेटिकली कर देता है ना। अब उसको मैं डन कर देता हूँ, डन करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो फाइल नेम लिखा है ठीक है मैं उसी नाम से सेव कर देता हूँ, गैलरी में मुझे सेव नहीं करना है इस बार, सो ये आ गया। तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसने मेरे, अच्छा ये ऐप तो काम नहीं कर रहा है आज, तो दूसरे ऐप में खोल लेते हैं। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से बना दिया है, आप देखेंगे फोटो कितना सुंदर दिख रहा था क्या, नहीं, पर इसके बाद इसने देखो पीडीएफ जब बना तो कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो इसकी इस तरीके से हम बड़े आसानी से अपने फोटोज को, है ना, डॉक्यूमेंट की मदद से सेव कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। तो आपको कैसे लगी आज की क्लास, क्या समझ में आया कुछ, है ना, आप जरूर इसका उपयोग करके देखेंगे और जरूर हमें बताएंगे कोई दिक्कत आएगी, आपके प्रश्न का स्वागत करते हैं। और हम चलिए दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। रवि भैया आप नेटवर्क में आ गए होंगे, तो आपसे निवेदन है कि अपनी क्लास अच्छा प्रारंभ करें। रवि भैया